नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के स्वास्थ्य वीडियो में हम आपको बताएंगे डर्मा केटिन नियो क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है जिससे कि आने वाले हर नए स्वास्थ्य वीडियो की जानकारी आपको सबसे मिलती पहले मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप देखिए वीडियो को। तो दोस्तों, ये है हर तरह के त्वचा रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रीम। क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से अधूरी जानकारी ही मिल पाती है। त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रीम होती है, बहुत ही अच्छा काम हर त्वचा रोग भी ये करती है। चाहे वो दाद खाज खुजली हो या जंघासों में जो जांघों में दाने पड़ जाते हैं, दाद हो जाता है, गीला कपड़ा पहनने के कारण जो कट जाते हैं, इनमें से यदि कोई भी समस्या आपको है तो आप इस क्रीम को दिन में सुबह और शाम इस्तेमाल करें, आपकी ये समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इसको जो है आप जले कटे घाव जख्म और फोड़ा फुंसी इनमें भी लगा दें तो उनमें भी ये काम करती है। लेकिन ये मेन जो है दाद खाज चकत्ते एक्जिमा सेहुआ और जो भी त्वचा रोग होते हैं शरीर में दवाई के कारण रिएक्शन के कारण, जो भी यदि कोई रिएक्शन के कारण दाने हो गए हैं उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है वो एंटीबायोटिक क्रीम है, इसमें बहुत ही अच्छा फार्मूला ऐड किया गया है। इसमें जो है दोस्तों केटकोनाजोल, नियोमाइसिन सल्फेट, आइडोलोक्लोरोपाइक्सिन, क्यूनाइल, टेल्फिटेट, क्लोबिसटॉल, प्रोपिनेट, इतने आइटम इसमें पड़े होते हैं। तो इसका जो है फार्मूला तो ऑटोमेटिक ही बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। और किसी भी यदि कारण आपके त्वचा में जलन पड़ रही है या किस चाहे आपने दवाई खाई हो या जूता चप्पल पहनने से कुछ हो गया हो पैर में, तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप हर तरह की स्किन प्रॉब्लम में, हर तरह की जो त्वचा संबंधी समस्या है उसमें आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम करें, आपकी वो समस्याएं बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ही सही हो जाएंगी। और दोस्तों, यह जेनरिक मेडिसिन है इसलिए इसमें आपको डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल जाता है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इस क्रीम का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें, अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो हर दवाई की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, यदि इस क्रीम को लगाने से आपको जलन होती है या त्वचा में जलन जैसा छाला पड़ जाता है या जलन होने लगती है या दाने पड़ जाते हैं या घमोरियों टाइप की, जिसे घमोरियाँ होती हैं उस टाइप की बन जाते हैं हल्के हल्के, तो आपको तुरंत ही इस क्रीम को जो है रोक देना है और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें या जो भी वो बताएं उस क्रीम का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों। और एक बात को आप ध्यान रखें कि जब तक आप इसका इस्तेमाल करें तब तक कोई भी दूसरी स्किन क्रीम जो कि स्किन इन्फेक्शन के लिए हो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको डर्मा केटी नियो क्रीम के बारे में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।